अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं दाल माश, तो रेसिपी को एंड तक देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जल्दी से। तो हमने यहाँ पे एक पाव दाल ले ली थी, उसे हमने 2 घंटे के लिए भिगो लिया था और बाकी सब मसाले हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले हमने ऑयल ले लेना है 1/2 कप, उसको हमने गर्म कर लेना है अच्छी तरह से। दो अदद दरमियानी प्याज ले लिए हमने, उसे चॉप कर लिया था। ऑयल में अब वो डाल देंगे हम। प्याज को हमने अच्छी तरह ब्राउन कर लेना है। प्याज हमारा ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसे अच्छी तरह भून लेंगे हम। उसके बाद 2 दरमियानी साइज के कटे हुए चॉप टमाटर डाल देंगे हम इसमें। टमाटरों को भी हम अच्छी तरह भून लेंगे। अब हम इसमें 1.5 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। 1/2 चम्मच हम इसमें हल्दी डाल देंगे। अच्छी तरह से भून लेंगे हम मसालों को। अब हमारे पास चिकन क्यूब्स हैं, 2 चिकन क्यूब्स हम इसमें डाल देंगे। दो चम्मच हम पिसा हुआ जीरा इसमें डाल देंगे और इसे भून लेंगे। साथ में ही हम इसमें 2 चम्मच पिसी हुई धनिया डाल देंगे। अच्छी तरह भून लेंगे हम मसाले को। हाफ कप हम इसमें पानी को डाल दिया है ताकि मसाला अच्छी तरह से भून जाए। मसाला अच्छी तरह से भून गया है। अब हमारे पास जो दाल थी, भिगोई थी हमने 2 घंटे के लिए, उसको दाल में हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि ये गल जाए। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया कटा हुआ। दाल बिल्कुल गल गई है, अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। दाल माश बिल्कुल ढाबा स्टाइल तैयार है। अब हम इसमें थोड़ी सी अदरक, कटी हुई अदरक और हरी धनिया डाल देंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।